हम 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का काफ़ी धूमधाम से यहाँ जन्मदिन जयंती मनाने जा रहे हैं और वो साहब मूर्ति फेंक रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि दलित के प्रति प्रेम किसका है। बिल्कुल पॉलिटिकल षड्यंत्र है। बिहार में इलेक्शन के दौरान माइलेज लेने के लिए पुराना और ओरिजिनल, दोबारा हम फिर दोहरा रहे हैं, ओरिजिनल लोक जनशक्ति पार्टी हम लोग हैं। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो महत्व है वो हम लोग जानते हैं। चिराग जी को क्या पता है, वो तो साफे कहते हैं कि हम बिहारी थोड़े हैं। डुप्लीकेट क्या, वो तो बोलते हैं, पूरा बोलते थे कि हम तो पंजाबी हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार ने स्वर्गीय रामविलास पासवान का दिल्ली आवास पे भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति व पद्म भूषण एवं पासवान की तस्वीर को अपमानजनक तरीके से सड़क पर फेंके जाने पर सीधे तौर पर कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर का प्रतिमा नहीं फेंका गया, यह बिल्कुल पॉलिटिकल षड्यंत्र है। साथ ही उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को 3 बार 4 बार नोटिस दिया गया, उन्होंने इसका पालन क्यों नहीं किया। चिराग पासवान जी के कौन सा आवास, खाली वाले या राजेंद्र नगर वाले या जहाँ अभी रह रहे हैं वहाँ, कहाँ जाके मिला? बारा जनपद जो खाली किया, हाँ, उस पर सियासत तेज हो गई, खासकर जो प्रतिमाएं फेंकी गई, तमाम ऐसे कामयाब फेंकी नहीं गई। भाई किसने आपको कह दिया, इतना कोई बेवकूफ है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू उस तरह से कोई फेंक देगा? 14 तारीख को उनका हम लोग जयंती मना रहे हैं, अब कौन किया वो चिराग पासवान जानेंगे, चिराग पासवान जानेंगे ना भाई कि कौन किया। वो राजनीतिक प्रिविलेज लेने के लिए मात्र 2-3 चीज को बाहर में फेंक दिया गया, बाकी सारे सामान सब कहाँ गए? डायमंड का ज्वेलरी, सोने का ज्वेलरी, एक से एक सूट, कपड़ा, ये सब कहाँ गया? ये सब एक दो चीज ऐसा रख दिया गया कि जिससे कि राजनीतिक प्रिविलेज मिले, ऐसे चीज़ों को बाहर में रख दिया गया। उससे उनको राजनीतिक प्रिविलेज मिलने वाला नहीं है चिराग जी को, समझ गए ना। इसलिए कौन जा रहा है मिलने, कौन आ रहा है मिलने, उस पर हम क्या बोले। मिलने जुलने का कोई किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध थोड़े है। कल हम ही से कोई मिलने आ जाएंगे, मुख्यमंत्री आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रतिबंध थोड़े है। बिल्कुल पॉलिटिकल षड्यंत्र है। बिहार में इलेक्शन के दौरान माइलेज लेने के लिए ऐसा कोई बात नहीं है। आराम से हम आपको कहते हैं कि हमारे माननीय चिराग बाबू को 3-4 बार नोटिस मिली, 3-4 बार खबर किया गया, तो उसका पालन क्यों नहीं किए और कहते हैं कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। अरे भैया, आपको पहले 2-3 बार मिल चुका है इसकी सूचना कि आप खाली कर दीजिए, दूसरे को अलॉटमेंट हो गया है रेल मंत्री जी को, आप जानबूझ के ही प्लानिंग में, परियोजना में सोच करके घर के अंदर में सवार थे कि जब भी ऐसी घटना होगी तो हम राजनीतिक प्रिविलेज लेने के लिए ऐसा 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 करेंगे। वही बात वो किए। हम 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का काफ़ी धूमधाम से यहाँ जन्मदिन जयंती मनाने जा रहे हैं और वो साहब मूर्ति फेंक रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि दलित के प्रति प्रेम किसका है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस जी के ग्रुप का है कि चिराग जी का है, आप देख लीजिए। अभी 14 तारीख को जयंती होना है और अभी ये वो मूर्ति बाहर फेंक दिए, माने ऐसा कि राजनीतिक प्रिविलेज हम ले लें। ये शराबबंदी को लेकर संशोधन हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में अपराध के ग्राफ लगातार, अपराधी जो है बेखौफ होकर हत्या को अंजाम दे रहे हैं। नहीं, अभी अभी जो है देखिए, बेखौफ अंजाम देने वाले को थोड़ा सा अंकुश लगा है, इसलिए कि हमारे राज्य के DGP भी अब थाना स्तर तक इंस्पेक्शन करने के लिए निकल गए हैं और DGP साहब कई लोगों पर कार्रवाई भी किए हैं, जो लोग थाने में उपस्थित नहीं थे, जो लोग काम करने में शिथिलता बरत रहे थे, ऐसे पदाधिकारी को DGP साहब ने सस्पेंड भी किया है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ग्राफ बढ़ा है। और रही बात छोटा मोटा क्राइम का, घटना का, वो तो होता ही रहता है। आपको सर क्या लगता है, बिहार पुलिस के लिए शराबबंदी सबसे बड़ा काम है या फिर क्राइम रोकना काम है? शराब के पीछे पूरी प्रशासन पागल है? नहीं, अब शराब के पीछे से धीरे धीरे दिमाग
हटा करके और उसको एक कैबिनेट से स्ट्रेटेजी बना कर करके फाइन का प्रावधान लाया गया है, फाइन का, है ना। इसलिए क्राइम में और लॉ एंड ऑर्डर के काम में पूरा ध्यान दिया जाएगा। और ऐसी बात नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है या पुलिस काम नहीं कर रही है, सब ठीक ठाक से हो रहा है। और आप लोग जो कहते थे बराबर कि शराब में बीजी पुलिस रहती है काम नहीं करती है, तो उसके लिए एक नया उपाय निकाला गया है कि अगर शराब तुम पियोगे ना तो 5,000 रुपया तुमको पॉकेट में रखना होगा, अपने आप कम जाएगा, कोई नहीं पिएगा, ये 5,000 रुपया कौन देगा, बात समझे। इसलिए एक बढ़िया स्ट्रेटेजी जो है कैबिनेट से पास करा के ये रूल लगा दिया गया है। जो अम्बेडकर जयंती मनाई जाए उसके लिए क्या खास इस बार कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार बृहस्पति पारस हुआ, इस तरह से बड़े आयोजन की बात हो रही। देखिए 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती है और हमारे ऑफिस में काफ़ी धूमधाम से इस फंक्शन को मनाया जाएगा। और आप मीडिया के लोगों के लिए अलग से विशेष व्यवस्था भी रहेगा, समझ गए ना। और काफ़ी धूमधाम से हम लोग मनाएंगे, क्योंकि हम लोग तो भाई पुराना और ओरिजिनल, दोबारा हम फिर दोहरा रहे हैं, ओरिजिनल लोक जनशक्ति पार्टी हम लोग हैं। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो महत्व है वो हम लोग जानते हैं, चिराग जी को क्या पता है, वो तो साफे कहते हैं कि हम बिहारी थोड़े हैं। चिराग जी क्या डुप्लीकेट? अरे डुप्लीकेट क्या, वो तो बोलते हैं पूरा, बोलते थे कि हम तो पंजाबी हैं, सबको बोलते थे कि हम तो पंजाबी हैं। अरे राम, अब यहाँ आके पासवान बन गए और पापा के नाम पर अगर प्रिविलेज लेना चाहते हैं तो देख लीजिए कितना वो ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। अभी तो कल ही बता देगा, मेरा कल रिजल्ट है ना हाजीपुर का MLC का, देखिएगा कि भूषण राय जी कितने भारी बहुमत से विजय हासिल करेंगे। और NDA का हमारा सारा कैंडिडेट देखिएगा किस तरह से कल NDA का एकदम झंडा फहराएगा। कल तो चिराग पासवान जी के पास कुछ है नहीं है तो बुलाएंगे नहीं, इतना बड़ा अभी यूनिट कहाँ बनाए हैं कि बोछा में MP का चुनाव है ये सब लड़वाएंगे। चिराग जी के पास है क्या मैनेजमेंट, 5-7-8 आदमी के अलावे कोई है क्या, जवाब दीजिए। नहीं,